हेलो छात्र, आप सभी को आयरिश क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के रियल नंबर पर चर्चा करेंगे, जो प्रश्नावली 1.1 है। और प्रश्नावली 1.1 के 4 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। इसमें क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसा कि मैंने लिख दिया है, जो 3q या 3q+1 3q+2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सिद्ध करना है कि 3m या 3m+1 सिद्ध करना है कि वर्ग करने के बाद 3m या 3m+ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो 3q तो वर्ग करने पर लिखा हुआ है, तो 3q का यदि वर्ग करते हैं हम लोग तो हो जाता है 3 3 9q2। अब इसको हम तोड़ते हैं तो 3 × 3q2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 3q2 = m मान लें, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3m, फर्स्ट केस हो गया। अब केस नंबर सेकेंड देखते हैं, 3q+1 यहाँ से लिखें का होल स्क्वायर, तो ये जो है a+b का होल स्क्वायर। आपको पीछे फॉर्मूला में बताएं, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो हम उसी सूत्र पर इसको बैठाएंगे, तो a² तो 3 × 9 q² + 2ab + b², ठीक है। तो 9q² + 3 × 6q+1, इस जगह पर ऐसा लगता है इसमें से, इस दोनों में से हम 3 को कॉमन कर लें तो कैसा रहेगा, बेहतर रहेगा। 3 कॉमन कर लेंगे तो 3q² + 3 × 6 2q + 1 को बाहर कर देते हैं। अब यहाँ से 3q² + 2q = हम m मानते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 3m+1, फर्स्ट सेकेंड केस भी हो गया। अब थर्ड केस चलते हैं, केस नंबर थर्ड, 3q + 2 होल स्क्वायर। तो 3 × 9q² + 2ab 3q × 3ab 3 × a × b + 2 होल स्क्वायर। तो 9q² + 3 × 9 = 18q + 2 = 4। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 3q को यहाँ से हम 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो 3 × 9 3q² + 3, ऐसा करते हैं हम, इसको 4 आया है, एक स्टेप लिखते हैं 9q² + 18q, और इसको हम 3+1 लिख सकते हैं इस 4 को, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 3 × 1 = 4। अब यहाँ से 3q को हम कॉमन कर लेते हैं, तो 3q + 6q + यहाँ से 1 ये बच गया, +1 बाहर। अब हम 3q + 6 3q² हो गया यहाँ पर, क्योंकि 3 कॉमन लेना है, क्यों नहीं लेना है कॉमन, सिर्फ 3 कॉमन लेना है। तो 3 × 3 = 9q², 3 × 6 = 18q, 3 × 1 = 3। तो 3q² + 6q + 1 = m। तो यहाँ से हो गया क्या, 3m
थ्री एम प्लस वन, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे भी चलेंगे तो इसी तरह से आते रहेगा। तो आपका जो है ये क्या कहते हैं थ्री एम और थ्री एम प्लस वन प्रूव हो गया। यदि ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर करें, लाइक करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।